वेलकम टू टेक अनलॉक इन दिस वीडियो वी विल सी आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क ठीक है तो आपका न्यूरल नेटवर्क एक्चुअल में आपके कहाँ पे यूज होता है उसके एप्लीकेशंस क्या है वो हम वन बाय वन देखेंगे ठीक है यहाँ पे देखिए न्यूरल नेटवर्क हैव बीन सक्सेसफुली अप्लाइड टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन ठीक है डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन के लिए आपका न्यूरल नेटवर्क क्या होता है यहाँ पे यूज़ होता है या हम कह सकते हैं सक्सेसफुली अप्लाई किया गया है देखिए यहाँ पे लाइक एज बिलोज यहाँ पे आपके सिक्स एग्जाम्पल है या एप्लीकेशन है जो हम वन बाय वन देखेंगे फर्स्ट देखिए फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग मतलब क्या है फ्यूचर प्रिडिक्शन तो यहाँ पे देखिए आपके कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो जिसमें हम क्या कर सकते हैं फोरकास्टिंग यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए न्यूरल नेटवर्क कैन बी यूज इफेक्टिवली इन फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट्स प्रिडिक्टिंग स्टॉक वैल्यूज इन्फ्लेशन एंड कैश फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग वेदर कंडीशंस ठीक है बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हैं फोरकास्टिंग यूज़ कर सकते हैं फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है प्रीवियस डेटा के अनुसार यानी प्रीवियस आपके हिस्ट्री के अनुसार आप क्या करते हैं आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं या आप रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हैं और ये रिजल्ट क्या होता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये बहुत ही एक्यूरेट होता है या एक्सेल होता है आप ऐसा कह सकते हैं मतलब आपकी सिंपल एल्गोरिदम का और इस न्यूरल नेटवर्क के एप्लीकेशन का क्या होता है एक्यूरेसी यहाँ पे ज़्यादा होती है आपके न्यूरल नेटवर्क के एज कम्पेयर टू आवर ट्रेडिशनल सिस्टम ठीक है ओके तो यहाँ पे देखिए स्टॉक वैल्यूज आपको प्रेडिक करना हो इन्फ्लेशन एंड कैश फोरकास्टिंग हो फोरकास्टिंग वेदर कंडीशन हो ठीक है वेदर कंडीशन क्या होंगे प्रीवियस डेटा के अनुसार आप क्या करते हैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे वेदर कंडीशन क्या की जाती है प्रेडिक्ट की जाती है क्योंकि प्रीवियस डेटा के अनुसार यहाँ पे क्या किया जाता है प्रेडिक्ट किया जाता है कि यहाँ पे कौन से चेंजेस हो रहे हैं कंडीशंस कैसे हो सकते हैं वेदर के ठीक है रेनी हो सकता है क्लाउडी हो सकता है सनी हो सकता है स्टॉम आ सकता है जो भी है कंडीशन यहाँ पे क्या किए जाते हैं यहाँ पे फोरकास्ट किए जाते हैं ठीक है ठीके? हम न्यूज़ में भी यहाँ पे वेदर कंडीशंस देखते हैं ठीक है जब भी कोई स्टॉम आने वाला होता है तो यहाँ पर हमें प्रीवियसली पता चल जाता है ठीक है यहाँ पर देखिए सेकंड है यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन है हमारा इमेज कंप्रेशन ठीक है इमेज कंप्रेशन भी कहाँ पे बिलोंग करता है आपके न्यूरल नेटवर्क से बिलोंग करता है सेकंड एप्लीकेशन है डिजिटल इमेज रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज ठीक है आपको पता है कोई भी आपकी पिक्चोरियल फाइल हो या डिजिटल इमेज हो अब हम क्या करते हैं डिजिटली सभी इमेज क्या होते हैं हमारे स्टोर होते हैं हमारे पीसी में या एज अ फाइल जे फाइल या जो भी है फाइल एज अ फाइल हम क्या करते हैं स्टोर करते हैं जिसकी स्टोरेज अमाउंट क्या होती है जनरली ज़्यादा होती है नंबर ऑफ इमेज की स्टोरेज अमाउंट क्या होगी यहाँ पे ज़्यादा होगी एज अ रिजल्ट द ट्रांसमिशन कैन बी वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड बैंडविड्थ रिक्वायर्ड ठीक है तो यहाँ पे देखिए आप अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं वन पी सी टू अनदर पी सी ठीक है तो यहाँ पे ये क्या होती है एक्सपेंसिव होती है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड बैंडविड्थ मतलब यहाँ पे टाइम भी ज्यादा लगता है बैंडविड्थ भी आपकी ज़्यादा खर्च होती है फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेट के थ्रू अगर कोई ट्रांसफर कर रहे हैं आपके मल्टीपल्स फाइल्स है वो क्या है आपके जीबीज में है तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम लगेगा बहुत सारी बैंडविड लगेगी मतलब आपको नेट कनेक्शन भी यहाँ पे क्या लगेगा स्पीड लगेगा ठीक है तो ट्रांसफर करने के लिए स्लो कनेक्शन के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम क्या किया, किया जाता है सॉल्व किया जाता है न्यूरल नेटवर्क कैन इफेक्टिवली यूज टू कॉम्प्रेस इमेज ठीक है इफेक्टिवली न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया जाता है इमेज को कॉम्प्रेस करने के लिए कॉम्प्रेस मतलब क्या है आपकी साइज इमेज साइज़ क्या की जाती है द इमेज क्वालिटी कुछ ऐसे हैं इमेज में जो क्या जाते जाते फिर भी आपकी इतनी क्या नहीं होती नहीं करता ठीक है इमेज की क्वालिटी इतनी अफेक्ट नहीं होती और आपकी साइज भी क्या हो जाती है यहां पर कॉम्प्रेस हो जाती है इमेज ठीक है सेवरल न्यूरल नेटवर्क डिफरेंट टेक्निक्स ऑलरेडी प्री डिफाइन है या प्री बिल्ड है जो है आपकी को सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स ठीक है ये एक टेक्निक है आपकी इमेज कॉम्प्रेशन की ब्लॉक प्रोपोगेशन एलगोरिदम है सेल्युलर न्यूरल नेटवर्क है ठीक है ये डिफरेंट टेक्निक है आपके इमेज कॉम्प्रेशन की ठीक है जो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है यूज़ करता है ठीक है थर्ड एप्लीकेशन देखिए थर्ड है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल ठीक है न्यूरल नेटवर्क हैज बीन अप्लाइड सक्सेसफुली इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल ऑफ डायनेमिक सिस्टम ठीक है डायनेमिक सिस्टम मतलब क्या है चेंजिंग इन नेचर सिस्टम होती है ठीक है ऑटोमेशन होता है उसमें तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी ठीक है एग्रीकल्चर मशीनरी आपको कंट्रोल करना पड़ता है मैनेजमेंट होता है तो ये सब ऑटोमेशन क्या होता है ये एग्रीकल्चर मशीनरी में ये कौन करता है आपका न्यूरल नेटवर्क करता है ठीक है ये एडवांस मशीनरी होती है आपके ट्रेडिशनल मशीनरी नहीं होती ठीक है कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट क्या होता है यहाँ पे ऑटोमेशन होता है ठीक है आप एक बार सेट कर दीजिए उतना वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे डन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए फोर्थ है हमारा फोर्थ एप्लीकेशन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोगनीशन ठीक है इसे ओ भी कहते हैं वेल नॉन यूजिंग इमेज रिकोगनीशन इज दी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोगगनिशन ओ सी आर ठीक है ओ सी आर टूल कहते हैं हम इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन दैट आर अवेलेबल विद द स्टैंडर्ड स्कैनिंग सॉफ्टवेयर फॉर पी सी ठीक है तो जो क्या है आपके स्टैंडर्ड पी सी के लिए भी अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है स्कैन सॉफ्ट स्कैन सॉफ्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो आपके जनरल पी सी के लिए यानी आपके पर्सनल कंप्यूटर के लिए यानी आपके होम कंप्यूटर के लिए भी क्या है यहाँ पे अवेलेबल है ठीक है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोग्नीशन आपको पता है सिंपली आपके क्या है कैरेक्टर रिकोग्नाइज किया जाता है ठीक है पैटर्न्स के अनुसार जो भी है कैरेक्टर्स क्या किए जाते हैं पे रिकोगनाइज किया जाता है जो किस में आता है आपके न्यूरल नेटवर्क में आता है ठीक है प्रीवियसली हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा है नेक्स्ट देखिए फिफ्थ है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसमें देखिए अनदर पॉपुलर एप्लीकेशन फॉर न्यूरल नेटवर्क इज सी ठीक है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट विच रिक्वायर्ड key information to be derived from raw data collected for ईच इंडिविजुअल कस्टमर ठीक है ये कैसे काम करता है आपका सी आर ई एम मॉडल आपके इंडिविजुअल कस्टमर का डेटा क्या किया जाता है यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा दी इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड ठीक है एडवांस इन्फॉर्मेशन क्या की जाती है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है सीआरई एम का एग्जाम्पल हमने पिछली बार देखा है आपकी अमेजोन ई कॉमर्स की आपकी साइट हो अमेजोन हो तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन दिया जाता है ठीक है आप एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए आपको रिकमेंडेशन दिया जाता है ठीक है नेटफ्लिक्स का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको रिकमेंडेड क्या किया जाता है यहाँ पे वेब सीरीज या मूवीज जो भी है आपको रिकमेंड की जाती है एज़ कंपेयर टू आवर पैटर्न मतलब आपके पैटर्न के अनुसार आपके लाइक्स के अनुसार यहाँ पे क्या किया जाता है आपको प्रोवाइड किया जाता है और ये सभी क्या है ऑटोमेटिव है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है ठीक है ये सिस्टम क्या होती है इंटेलिजेंट सिस्टम होती है यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी बिज़नेस मॉडल हो यहाँ पे अगर हमने न्यूरल नेटवर्क अगर यूज़ किया तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही क्या हो जाता है वास्ट हो जाता है कैसे क्योंकि अगर आप वन टू वन अगर इंटरेक्ट करना चाहे कस्टमर से तो यहाँ पे अगर किसी सर्विस में या किसी प्रोडक्ट के लिए अगर आपके लैक्स ऑफ कस्टमर हो किसी सर्विस के लिए तो यहाँ पे हर एक कस्टमर को आप डील नहीं कर सकते यहाँ पे आपको क्या चाहिए एक ऑटोमेटिव सिस्टम चाहिए जो सभी आपके कस्टमर्स के से क्या कर सके डेटा ले सके और अकॉर्डिंग टू देयर लाइक एंड डिसलाइक क्या कर सकते हैं उनको रिजल्ट प्रोवाइड कर सके तो इसलिए ये क्या है बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि साइमल्टेनियसली आपके मल्टीपल कस्टमर्स क्या किए जाते हैं यहाँ पे हैंडल किए जाते हैं और ये ऑटोमेटिव सिस्टम है ठीक है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने उसके पहले देखिए दिस कैन बी अचीव बाय बिल्डिंग मॉडल्स यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा इन्फॉर्मेशन ठीक है ये कैसे अचीव किया जाता है डेटा इन्फॉर्मेशन के जरिए हिस्टोरिकल डेटा इन्फॉर्मेशन मतलब प्रीवियस डेटा के अनुसार क्या किया जाता है यहाँ पर एनालिसिस होता है पैटर्न फाइंड आउट किया जाता है और एज एज पर यूजर्स इंटरेस्ट आपको क्या किया जाता है यहाँ पर वैल्यू या रिजल्ट क्या किया जाता है प्रोवाइड किया जाता है फॉर एग्जाम्पल देखिए एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम ठीक है तो यहाँ पे देखिए विच कुड प्रिडिक्ट सेल्स ऑफ टिकट ठीक है तो यहाँ पे देखिए एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम ये क्या करती है आपकी द नंबर ऑफ कस्टमर विच आर यूजिंग फ्लाइट्स दैट डेटा कैन बी कलेक्टेड ठीक है तो यहाँ पे देखिए सेल्स कितने हो रहे हैं टिकट के कौन से मंथ्स में कौन से सेल ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे ये यह प्रिडिक्शन किया जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर कोई फेस्टिवल हो तो यहाँ पे क्या होता है ट्रैवलिंग लोग ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे उनका सेल्स क्या होता है यहाँ पे बढ़ता है तो यहाँ पे ये यह कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिससे क्या किया जाता है आपके डेटा क्या किया जाता है यूज़र से कलेक्ट किया जाता है और आप और उस डेटा का आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर क्या कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली उसका यूज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? अगर कोई आपका सेल बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है शॉर्टेज ऑफ सर्विस हो सकती है ठीक है क्योंकि आपके कस्टमर अगर बढ़ गए तो यहां पे सर्विस के लिए डिले हो सकता है या शॉर्टेज हो सकता है तो यहां पे अगर उन्हें पहले से ही पता हो कि ऐसे फेस्टिवल इस मंथ में क्या होंगे ज़्यादा होंगे इस मंथ में आपका सेल ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं प्री डिफाइन मतलब पहले से ही उसमें क्या कर सकते हैं अरेंजमेंट कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स होते हैं लेकिन ये बिजनेस के लिए क्या होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है ठीके? तो ये आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है एक्चुअली बिजनेस मॉडल में आता है जिसमें हम क्या करते हैं न्यूरल नेटवर्क यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? तो कोई भी आपका बिजनेस मॉडल हो जिसमें न्यूरल नेटवर्क यूज़ हो तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिव सिस्टम क्या होता है बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ होता है इंटेलिजेंटली वर्क करता है ठीक है यहाँ पे देखिए इन रिलेशन टू द डेस्टिनेशन सेल्स कितने हो रहे हैं डेस्टिनेशन को मतलब कौन से लोकेशन को कैसे सेल हो रहे हैं ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है थीके? बहुत सारे फैक्टर आते हैं टाइम ऑफ ईयर टिकट प्राइस टिकट प्राइस कब ज़्यादा है कम है मतलब कब रखनी चाहिए क्योंकि अगर रिकमेंडेशन ज़्यादा है मतलब अगर मतलब यहाँ पे कोई सर्विस का अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो यहाँ पे आप टिकट प्राइस क्या कर सकते हैं रेज कर सकते हैं क्योंकि कोई फेस्टिवल हो तो लोग क्या करते हैं ट्रैवल करते हैं मतलब उन्हें जाना ही है मतलब उन्हें ट्रैवलिंग करनी ही है तो तब क्या कर सकते हैं आप एज़ कम्पेयर टू आवर प्रीवियस रिजल्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं और टिकट प्राइस भी क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं और जब आपके सेल्स कम है तब आप डिक्रीज़ कर सकते हैं तो ये बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका न्यूरल नेटवर्क में ये आता है ठीक है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ठीक है नेक्स्ट देखिए सिक्स नंबर का पॉइंट है हमारा मेडिकल साइंस ठीक है मेडिकल साइंस फील्ड में भी ये न्यूरल नेटवर्क आपका बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है कैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ए अन एन इज करंटली दैक्स्ट प्रोमिसिंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन लेटेस्ट एंड एडवांस मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे देखिए आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है आपका प्रॉमिसिंग इंटरेस्ट एरिया है यहाँ पे आपके एडवांस एंड मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी में कैसे तो यहाँ पे देखिए पहले से ही कुछ ए एन एन के टेक्नोलॉजी क्या है ऑलरेडी बहुत सारे मेडिकल टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं ए एन एन में ठीक है मतलब ए एन एन द्वारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क द्वारा और और भी क्या है यहाँ पे फ्यूचर प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है ए अनएन डेवलप होने के बाद मेडिकल साइंस उसे क्या कर सकता है अडाप्ट कर सकता है नेक्स्ट देखिए इट इज़ बिलीव दैट न्यूरल नेटवर्क विल हैव एक्सटेंसिव एप्लीकेशन टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन न्यू इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तो यहाँ पे देखिए न्यूरल नेटवर्क क्या है एक्सटेंसिव एप्लीकेशन है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ठीक है जो कुछ सालों में क्या होगा डेवलप होगा या क्या है फ्यू इन फ्यूचर क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूरल नेटवर्क एज रिस्पेक्ट विथ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ठीक है नेक्स्ट देखिए ए एन एन हैज ऑलरेडी बीन सक्सेसफुली एप्लाइड इन मेडिकल एप्लीकेशन सच एज ठीक है ऑलरेडी यहाँ पे ए एन एन के कुछ एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी क्या है यहाँ पे वर्किंग में है तो यहाँ पे देखिए डायग्नोस्टिक सिस्टम है उसके बाद बायोकेमिकल एनालिसिस है डा डिसीज डिटेक्शन है इमेज एनालिसिस है इवन ड्रग प्रोडक्शन भी यहाँ पे क्या होता है इसमें आता है ठीक है तो यहाँ पे एआन एन क्या है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे एप्लीकेशन है इन द मेडिकल साइंस फील्ड ठीक है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन हमने देखे सिक्स एप्लीकेशन जो क्या है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो किस में फॉल करते हैं आपके न्यूरल नेटवर्क में ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फजी लॉजिक इंट्रोडक्शन टू द फजी लॉजिक ओके ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज फजी लॉजिक ठीक है इंट्रोडक्शन टू फजी लॉजिक यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है फजी लॉजिक इज एन अप्रोच टू कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ ट्रूथ रैदर देन द यूज ट्रू और फॉल्स वन और जीरो बुलियन लॉजिक तो यहाँ पे देखिए फजी लॉजिक आपका किस पे काम करता है आपके डिग्री ऑफ ट्रूथ पे ठीक है मतलब मिडल के वैल्यूज़ क्या होते हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ वन और ज़ीरो वैल्यू नहीं चाहिए होते है. आपको मिडल के भी वैल्यू चाहिए होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कार सिस्टम देखें ठीक है कार की ब्रेकिंग सिस्टम अगर हम देखें तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं चाहिए ठीक है आपको ब्रेक दबाना या नहीं दबाना ये दो ऑप्शन नहीं है आपके पास आपको अगर कोई स्पीड ब्रेकर अगर आया है तो यहाँ पे आपको थोड़ा कम ब्रेक दबाना पड़ेगा थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ठीक है अगर कोई टर्न लेना है तो आपको सिक्सटी परसेंट दबाना होगा ठीक है तो ये डिपेंड होता है कि आपको मिडल की वैल्यू भी क्या होती है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में ठीक है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पर फजी लॉजिक में क्या होता है यहाँ पर यूज़ होता है ठीक है फजिलॉजिक यहाँ पे क्या होता है अप्लाई होता है टू सॉल्व दी रियल लाइफ प्रॉब्लम ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ वन और जीरो नहीं चाहिए हमें ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए हमें मतलब बुलियन लॉजिक नहीं चाहिए हमें हमें मिडल्स की भी वैल्यू चाहिए होती है जो किस पे आती है आपकी फजिलॉजिक में आती है ठीक है अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हमारे सेकंड यूनिट में यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ हम क्या देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे ठीक है फजिलॉजिक क्या है ठीक है तो सिर्फ हमें ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए मतलब वन और जीरो नहीं चाहिए एंड टू एंड वैल्यू नहीं चाहिए सिर्फ हमें ऑन और ऑफ़ नहीं चाहिए हमें मिडल की भी वैल्यू चाहिए ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये ऑन और ऑफ या ये ट्रू और फॉल्स ये वैल्यू कहाँ पे होते हैं आपके ये बुलियन वैल्यू ये क्रिप्स लॉजिक में होते हैं ठीक है थीके? तो क्रिप्स लॉजिक और आपका फजी लॉजिक इनमें क्या डिफरेंस है वो भी हम सेकंड यूनिट में ही देखेंगे ठीक है तो सिंपली यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि डिग्री ऑफ ट्रूथ मतलब आपका कितनी परसेंट आपको कोई भी आपका क्या करना है इनपुट यूज करना है या आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये क्या होता है यहाँ पे जरूरी होता है इंपॉर्टेंट होता है ठीक है नेक्स्ट देखिए ऑन विच द मॉडर्न कंप्यूटर इज़ बेस्ड ठीक है आपके बुलियन लॉजिक पे आपका मॉडर्न कंप्यूटर बेस्ड है मतलब आप कुछ सर्टन इनपुट दीजिए तो अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा आपको इनपु आउटपुट देगा ठीक है तो यहाँ पे इंटेलिजेंटली वर्क नहीं करता आपका कंप्यूटर सिस्टम मतलब ऑटोमेशन नहीं होता उसमें आपको ह्यूमन इंट्रैक्शन यहाँ पे क्या होता है कंपलसरी चाहिए होता है ठीक है आपके कंप्यूटर सिस्टम भी अभी डेवलप हो रहे हैं लेकिन इतने भी डेवलप नहीं हुए हैं अभी तक ठीक है नेक्स्ट देखिए The idea of fuzzy logic was first proposed by Dr. जेडी ऑफ of University of California at Berkeley in the 1960. तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर लॉफ्टी ने क्या किया है 1960 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से क्या किया है यहाँ पे या आपकी फ़ज़ी लॉजिक की फर्स्ट कंसेप्ट क्या की है यहाँ पे प्रपोज की है नेक्स्ट देखिए फजिलॉजिक इज़ अ पावरफुल मैथमेटिकल टूल दैट कैन डील विथ ह्यूमन लाइक इम्प्रिसाइज इनकम्प्लीट एंड अनसर्टन इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ठीक है कोई भी कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो तो हम क्या करते हैं प्रेडिक्ट करते हैं हम क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं ह्यूमन लाइक एक्सपर्टाइज यहाँ पे क्या होती है यहाँ पे अचीव करने की कोशिश की जा रही है फॉर एग्जाम्पल हमने फजिलॉजिक के लिए हमें हमने डॉक्टर पेशेंट प्रॉब्लम देखा था ठीक है फजी लॉजिक के लिए तो यहाँ पे डॉक्टर अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से क्या करता है फजीली ठीक है अनसर्टनली क्या करता है जो भी उसने सिम्टम्स बताए होंगे तो आ, उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या करता है प्रिस्क्रिप्शन देता है ठीक है लेकिन वो हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे क्या किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है ठीक है हंड्रेड परसेंट श्योरिटी नहीं होती क्योंकि वहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है तो सिमिलरली यहाँ पे फजिलॉजिक भी यहाँ पे काम करता है ठीक है ह्यूमन लाइक आपको इम्प्रिसाइज इनकम्प्लीट एंड अनसर्टेनिटी इन्फॉर्मेशन क्या करनी है यहाँ पे एक्वायर करनी है आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है जो ह्यूमन क्या करता है यूज करता है आपको किससे किसके थ्रू करनी है यहाँ पे फजिलॉजिक के थ्रू करनी है ठीक है नेक्स्ट देखिए यूजिंग फजिलॉजिक इट इज़ नाउ वेक ह्यूमन असेसमेंट इन इन कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन असेसमेंट इन कम्प्यूटिंग प्रॉब्लम्स हमें क्या करने हैं इंप्लीमेंट करने हैं यूजिंग फजी लॉजिक ठीक है ह्यूमन लाइक like आपको क्या करना है यहाँ पे जो भी आपकी ह्यूमन मेंटलिटी होती है जो भी उसमें प्रेडिक्शन किए जाते हैं कुछ अनसर्टेंटी होती है जो भी है आपको लॉजिक के थ्रू क्या करना है ह्यूमन असेसमेंट क्या करना है कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स के थ्रू सॉल्व करने हैं नेक्स्ट देखिए अल्सो इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव मीन्स फॉर मल्टीपल क्राइटेरिया एंड बेटर असेसमेंट ऑफ ऑप्शन ठीक है तो यहाँ पे ये मल्टीपल क्राइटेरिया भी प्रोवाइड करता है और बेटर असेसमेंट ऑफ ऑप्शन भी क्या करता है प्रोवाइड करता है नेक्स्ट देखिए यूज इन एप्लीकेशन सच एज पैटर्न रिकोग्शन ऑप्टिमाइजेशन कंट्रोल एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनी इंटेलिजेंट सिस्टम फॉर डिसीजन मेकिंग ठीक है तो बहुत सारे एप्लीकेशन में यहाँ पे क्या होता है यूज़ होता है पैटर्न रिकगनीशन हो गया ऑप्टिमाइजेशन हो गया ठीक है बहुत सारे एप्लीकेशन पे यहाँ पे यूज होता है नेक्स्ट देखिए एडवांटेजेस ऑफ फजी लॉजिक कंट्रोलर्स तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ फाइव एडवांटेजेस है फर्स्ट देखिए सिम्प्लीसिटी एंड फ्लेक्जिबिलिटी यहाँ पे देखिए फजी लॉजिक क्या है सिंप्लीफाई है मतलब सिंपली सिटी इसकी क्या है प्रॉपर्टी है ये सिंपल है ठीक है और फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है इजी टू एडेप्ट है ठीक है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये क्या कर सकता है ईजिली एडैप्ट हो सकता है नेक्स्ट देखिए कैन हैंडल प्रॉब्लम्स विथ प्रिसीजन तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करता है प्रिसीजन एंड इनकम्प्लीट डेटा ठीक है तो यहां पे प्रॉब्लम्स आपके दो तरीके से हैंडल हो सकते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से ठीक है अगर कोई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो मतलब कोई इनपुट अगर आपको कंप्लीटली इनपुट अगर आपको मिला तो यहाँ पे वो आपका परफॉर्म होगा ही होगा ठीक है रिजल्ट आपका वहाँ पे हंड्रेड परसेंट आएगा लेकिन अगर कुछ इनकम्प्लीट डेटा भी हो मतलब डेटा में कुछ नॉइस हो कुछ यहाँ पे इनकम्प्लीशन हो डेटा में फिर भी आपका यहाँ पे सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या करता है रिजल्ट प्रोवाइड करता है मतलब आपका फजी सिस्टम फजी लॉजिक क्या करता है यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है ठीक है ऑब्वियसली आपका रिजल्ट क्या होगा यहां पे एक्यूरेट नहीं होगा लेकिन आपको रिजल्ट देता है ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है तो आपके इनकम्प्लीट डेटा से भी यहाँ पे क्या होता है आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं ठीक है जो आपके हार्ड कंप्यूटिंग में नहीं होता स्ट्रिक्ट इनपुट चाहिए होता है उसे तभी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर सकते हैं हार्ड कंप्यूटिंग में ठीक है सॉफ्ट कंप्यूटिंग में आपके डेटा में नॉइस होगा या इनकम्प्लीट डेटा होगा फिर भी यहाँ पर आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं आपका रिजल्ट आ सकता है नेक्स्ट देखिए थर्ड एडवांटेज है कैन मॉडल नॉन लिनियर फंक्शन ऑफ आर्बिटरी कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है तो यहाँ पे देखिए नॉन लीनियर फंक्शन पे क्या हो सकता है यहाँ पे काम कर सकता है फॉर एग्जाम्पल आर्बिटरी कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है आर्बिटरी कॉम्प्लेक्सिटी पे यहाँ पे वर्क कर सकता है आपका फजी लॉजिक नेक्स्ट देखिए फोर्थ है चीपर टू डेवलप ठीक है अगर हम हार्ड कंप्यूटिंग देखें कंपेरेटिवली ये क्या है हार्ड कंप्यूटिंग आपकी ज़्यादा कॉस्टली है क्यों क्योंकि यहाँ पे हर एक को क्या लगता है आपके हार्ड कंप्यूटिंग को अगर आपको परफॉर्म करना है तो यहाँ पे आपको मैथमेटिकल मॉडल लगेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे ठीक है आप, आपका इनपुट भी क्या चाहिए आपको एक्यूरेट चाहिए नॉइस नहीं चाहिए ठीक है इनकम्प्लीट डेटा नहीं चलेगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली जितने ज्यादा मॉडल बढ़ते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है कॉस्ट भी बढ़ती है कॉस्ट इन द सेंस क्या है यहाँ पे uh, आपका डेवलपमेंट कॉस्ट भी हो सकता है एंड रिक्वायर्ड टाइम भी हो सकता है ठीक है एग्जीक्यूशन टाइम भी हो सकता है तो यहाँ पे देखिए डेवलप करने के लिए भी चीपर है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम भी क्या है मतलब एग्जीक्यूट भी होता है मतलब रिजल्ट आपका हर टाइम आता है इनकम्प्लीट डेटा से भी आपका रिजल्ट क्या होता है आ सकता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट है आपका वाइडर रेंज ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन मोर रीडिली कस्टमाइजेबल इन नेचुरल लैंग्वेज टर्म ठीक है कस्टमाइजेबल है तो यहाँ पे देखिए वाइडर रेंज ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन क्या कर सकता है या हैंडल कर सकता है मतलब एट अ टाइम मल्टीपल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली भी हैंडल कर सकता है और मोर रीडिबली कस्टमाइजेबल इन नेचुरल लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो कस्टमाइजेबल है ठीक है आप क्या कर सकते हैं मतलब ये क्या हो सकता है एडेप्ट हो सकता है ठीक है अकॉर्डिंग टू कंडीशन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ये क्या हो सकता है चेंज भी हो सकता है क्योंकि ये क्या है इंटेलिजेंट सिस्टम में आता है ठीक है तो नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आपका फजिलॉजिक क्या होता है एक्चुअल में यूज होता है फर्स्ट देखिए कैन बी यूज वेयर ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग विथ एन एबिलिटी टू जनरेट प्रिसाइज सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड ठीक है जहाँ पे हमें ह्यूमन लाइक एक्सपर्टाइज चाहिए होता है ठीक है किस लिए डिसीजन मेकिंग के लिए ठीक है ह्यूमन क्या करता है इंटेलिजेंटली वर्क करता है ठीक है डिसीजन मेकिंग पावर क्या होती है ह्यूमन में ज्यादा होती है मतलब एज कम्पेयर टू आवर मॉडर्न सिस्टम एज कंपेयर टू आवर ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होती है इंटेलिजेंटली यहां पे ह्यूमन वर्क करता है तो सिमिलरली आपको क्या अचीव करना है यहां पे ह्यूमन लाइक एबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग यहां पे अचीव करनी है टू जनरेट प्रिसाइज सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड ठीक है कैन बी यूज इन द ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग एप्लीकेशन ठीक है नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट है

होम अप्लायंसेस है वहां पे एक्सटेंसिवली क्या हो सकता है डिजाइन टू यूज़ हो सकता है सच एज वॉशिंग मशीन वैक्यूम क्लीनर एयर कंडीशनर ई टी सी ठीक है तो यहाँ पे देखें आपका फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर अगर हमने ले लिया तो यहाँ पे ये इंटेलिजेंट सिस्टम एज ए इंटेलिजेंट सिस्टम यहाँ पे वर्क कर सकता है फॉर एग्जांपल अगर कोई रूम क्या हो गई है यहाँ पे आपका टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर क्या हो गया है यहाँ पे सेट हो गया है ठीक है कोल्ड हो गया है तो यहाँ पे ये आपका क्या करेगा ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है स्विच ऑफ कर सकता है खुद को ठीक ठीक है अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को अडेप्ट कर सकता है ठीक है तो ये सभी क्या होते हैं इंटेलिजेंट सिस्टम में आते हैं सिमिलरली आपकी वॉशिंग मशीन होगी ठीक है उनके कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन होंगे लेकिन ये क्या करता है इंटेलिजेंटली वर्क करता है कुछ अगर पावर का कट ऑफ हो या कुछ आपका पावर लॉस हो या कुछ भी पावर का इश्यू हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कट ऑफ सिस्टम भी होता है ठीक है अलग अलग इंटेलिजेंट सिस्टम यहाँ पे अलग अलग अप्लाइंसेस में काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फजी लॉजिक यहाँ पे क्या होता है यूज होता है नेक्स्ट देखिए कैन अल्सो यूज फॉर अदर एप्लीकेशन सच एज़ फेशियल पैटर्न रिकग्निशन एंटी स्पीड ब्रेकिंग सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम कंट्रोल ऑफ सबवे सिस्टम एंड अनमैन व्हीकल्स अनमैन हेलीकॉप्टर्स तो यहाँ पे देखिए कैन ऑल्सो यूज़ फॉर अदर एप्लीकेशन सच एज़ फेशियल रिकग्नीशन सिस्टम ठीक है फेशियल पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है ठीक है फेस लॉक के लिए या जो भी है नेक्स्ट देखिए एंटी स्कीड ब्रेकिंग सिस्टम हो गई ठीक है स्कीड ना होने के लिए कार के लिए क्या होती है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होती है ठीक है एंटी स्कीड ब्रेकिंग सिस्टम होती है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम होता है मतलब वन गियर टू अनदर गियर शिफ्टिंग होती है कार में तो वो ट्रांसमिशन के लिए होता है कंट्रोल ऑफ सबवे सिस्टम होती है सबवे सिस्टम आपको पता है सबवे ट्रेनस के लिए भी कंट्रोल सिस्टम जो भी है सपोज़ इमरजेंसी ब्रेक्स वगैरह लगाने हैं जो भी है आपका कंट्रोल सिस्टम क्या होती है सब में आती है नेक्स्ट देखिए अनमैन व्हीकल्स अनमैन हेलीकॉप्टर सॉरी तो यहाँ पे अनमैन हेलीकॉप्टर अगर है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे रिमोटली उसे एक्सेस कर सकते हैं लेकिन वो हेलीकॉप्टर खुद से चलना चाहिए मतलब उसने खुद को लिफ्ट करना चाहिए जो भी है उसके अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है इंटेलिजेंटली यहाँ पर वर्क करता है ठीक है नेक्स्ट देखिए अनदर एप्लीकेशन एरिया इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस सिस्टम फॉर मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पावर सिस्टम ठीक है नॉलेज बेस सिस्टम भी होते हैं फॉर एग्जांपल पावर सिस्टम हो गई वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम हो गई ठीक है वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम हमने न्यूरल में भी देखी है क्यों क्योंकि यहाँ पे देखिए न्यूरल में क्या होता है आपके प्रीवियस डेटा से क्या किया जाता है यहाँ पे प्रेडिक्शन किया जाता है ठीक है प्रीवियस डेटा पूरा एनालाइज किया जाता है और यहाँ पे क्या किए जाते हैं उसके पैटर्न एनालाइज़ किए जाते हैं और यहाँ पे आपके फजिलॉजिक में क्या होगा कि आपको कितनी परसेंट यहाँ पे श्योरिटी है रिजल्ट में मतलब आपका रिजल्ट यहाँ पे शो करने का काम कौन करेगा यहाँ पे फजिलॉजिक करेगा मतलब मतलब किसी एप्लीकेशन में आपके दो या दो से ज़्यादा क्या हो सकते हैं यहाँ पे सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी या मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है यहाँ पे यूज़ हो सकती है तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक दो सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग में यूज हो सकती है ठीक है हमने देखा था तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग क्या हुआ है आपके न्यूरल में भी था और यहाँ पर भी था ठीक है आपका प्रिडिक्शन करना वेदर प्रिडिक्शन करना प्रीवियस रिजल्ट के द्वारा यहाँ पे क्या करना एनालाइज करना ये अलग पार्ट है और यहाँ पे रिजल्ट शो करना मतलब फ्यूचर में प्रिडिक्शन करना ये अलग पार्ट है ठीक तो है तो यहाँ पे दो काम परफॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पे दो वर्क के लिए दो अलग क्या लगेंगे सिस्टम लगेंगे जो कम्बाइनली वर्क हो रहे हैं इस वजह से यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल में हमने क्या किया है यहाँ पे एज एन एप्लीकेशन यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया है ठीक है नेक्स्ट देखिए मेडिकल डायग्नोसिस हो गया स्टॉक ट्रेडिंग हो गया ठीक है जो भी है आपके फजी सिस्टम इसमें क्या होते हैं यूज होते हैं नेक्स्ट देखिए लास्ट है आपका फजी लॉजिक हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज इन न्यूमरस फील्ड्स सच एज कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग इमेज प्रोसेसिंग पावर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स ठीक है तो यहाँ पर सभी फील्ड में क्या होते हैं यहाँ पे आपका फजी लॉजिक इफेक्टिवली क्या करता है वर्क करता है ठीक है तो आई होप आपको ये फजी समझ में आ गया होगा फजी लॉजिक ठीक है इसके एग्जाम्पल्स है मतलब हम डिफरेंट सम्स देखेंगे सेकंड चैप्टर में तो वहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएंगी ठीक है यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ही देख रहे हैं ठीक है ओके okay. तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा इवेल्यूशनरी कंप्यूटिंग ओके ओके सो आवर लास्ट पॉइंट इज इवेल्यूशनरी कंप्यूटिंग ठीक है इवेल्यूशनरी कंप्यूटिंग क्या है यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फर्स्ट पॉइंट देखिए computing refers रेफर्स टू class ऑफ algorithms दैट आर इंस्पायर्ड by द बायोलॉजिकल evolution प्रोसेस ठीक है इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल evolution प्रोसेस में क्या होते हैं आपके evolutionary computing यूज होती है ठीक है उसमें हम जनरली जेनेटिक अलगोरिदम ही देखेंगे ठीक है लेकिन हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो इसमें कौन से कौन से फॉल करते हैं मतलब कौन से कौन से यहाँ पे टाइप्स आते हैं वो भी हम स्पेसिफिकली देखेंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखिए दे आर ह्यूरिस्टिक बेस्ड अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी इजीली सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम ठीक है ऐसे प्रॉब्लम जो पॉलिनोमियल टाइम में क्या नहीं होते सॉल्व नहीं होते ठीक है मतलब आपके इन आपके ऐसे प्रॉब्लम जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं होते फॉर एग्जाम्पल जिन्हें हम एन पी हार्ड प्रॉब्लम कहते हैं जो हार्ड टू सॉल्व होते हैं ठीक है इन अ सर्टन टाइम तो यहाँ पे सच प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग ठीक है नेक्स्ट देखिए इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन टेक्निक कैन प्रोड्यूस इस हाईली ऑप्टीमाइज सोलूशन ठीक है इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट हाईली ऑप्टीमाइज सोल्यूशन क्या करता है ये प्रोवाइड करता है ऑप्टिमाइज मतलब क्या है आपका सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्रेस होगा मतलब इन शॉर्ट में होगा ठीक है आपका रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे शॉर्टली क्या होगा यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा ठीक है मतलब आपकी सिस्टम ऐसी डेवलप की जाती है कि आपका रिजल्ट क्या होता है आपको कम से कम टाइम में या कम से कम साइज में क्या होता है पे प्रोवाइड किया जाता है ठीक है जो ऑप्टिमाइज होता है नेक्स्ट देखिए इन अ वाइड रेंज आपकी प्रॉब्लम सेटिंग अगर वाइड भी हो मतलब आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट ज्यादा भी हो फिर भी आपका हाईली ऑप्टिमाइज सोल्यूशन यहाँ पे क्या होता है प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग ठीक है ये इसका बहुत ही मेन एडवांटेज भी है हाईली ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नेक्स्ट देखिए देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ इवोल्यूशनरी अलगोरिदम्स ठीक है तीन टाइप है यहाँ पे इवोल्यूशनरी एलगोरिदम में फर्स्ट है हमारा जेनेटिक अलगोरिदम सेकंड है हमारा इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग और थर्ड है हमारा इवोल्यूशनरी स्ट्रैटीज ठीक है तो इसमें हम सिर्फ एवेल्यूशनरी अलगोरिदम ही देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट देखिए अनलाइक ट्रेडिशनल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक रिवल्यूशनरी एल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन रैंडम सैम्पलिंग ठीक है ये किस पे डिपेंड करता है रैंडम सैम्पलिंग पे डिपेंड करता है ठीक है आपकी ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब अब तक चलती आ रही है जो सिस्टम आपकी ऑप्टिमाइज टेक्निक के लिए तो उसमें क्या होता है आपका रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ नहीं होती जो इसमें क्या है एडिशन है ठीक है इसमें क्या होती है यूज़ होती है नेक्स्ट देखिए एन इवोल्यूशनरी अलगोरिदम हैज अ पॉपुलेशन ऑफ कैंडिडेट सोल्यूशन अनलाइक क्लासिकल मेथड विच ट्राई टू मेंटेन अ सिंगल बेस्ट सोल्यूशन ठीक है तो आपके जो अनलाइक क्लासिकल मेथड से जो हम प्रीवियसली यूज़ करते आ रहे हैं ट्रेडिशनल सिस्टम हम जिसे कह सकते हैं जिसमें क्या होता है सिंगल बेस्ट सोल्यूशन ही सिर्फ क्या होता है प्रोवाइड किया जाता है कोई भी प्रॉब्लम आप दीजिए सिंगल बेस्ट सोल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे होगा आपका तो उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है और ओनली सिंगल बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है ठीक है लेकिन इवोल्यूशनरी एलगोरिदम में ऐसा नहीं होता ठीक है आपके मल्टीपल सोल्यूशन यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम हाँ? निकाल सकते हैं ठीक है ठीके? जो आपके अलग अलग इन्वायरमेंट में आपके मल्टीपल सॉल्यूशन अलग अलगली बिहेव कर सकते हैं ठीक है थीके? मतलब कोई सॉल्यूशन अलग इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है इफेक्टिव हो सकता है कोई सॉल्यूशन दूसरे इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है इफेक्टिव हो सकता है ठीक है क्योंकि ये इंटेलिजेंट सिस्टम है तो इस वजह से हमें इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग के द्वारा क्या होता है हमें सोल्यूशंस ऑप्टिमाइज करने में थोड़ी आसानी होती है एज रिस्पेक्ट टू दी इन्वायरमेंट ठीक है नेक्स्ट देखिए यूजली इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स कंटेन फोर ओवरऑल स्टेप्स ठीक है फोर स्टेप में क्या होता है ये डिवाइड होता है या फोर स्टेप इसमें क्या होते हैं जनरली फॉल करते हैं फर्स्ट है इनिशलाइजेशन ठीक है सेकंड है इसका सिलेक्शन थर्ड है इसका जेनेटिक ऑपरेटर्स और फोर्थ है इसका टर्मिनेशन ठीक है इनिशलाइजेशन सिलेक्शन जेनेटिक ऑपरेटर्स एंड लास्ट है हमारा टर्मिनेशन ठीक है इसका सेपरेट चैप्टर है उसमें हम क्या करेंगे स्पेसिफिकली देखेंगे नेक्स्ट देखिए इवेल्यूशनरी अल्गोरिदम्स मेक यूज ऑफ कंसेप्ट इन बायोलॉजी सच एज सिलेक्शन रिप्रोडक्शन एंड म्यूटेशन ठीक है बायोलॉजिक के कंसेप्ट मेनली यूज करता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिलेक्शन है रिप्रोडक्शन है और म्यूटेशन है ठीक है तो यहाँ पे डिफरेंट बायोलॉजिकल कंसेप्ट यहाँ पे क्या होते हैं यूज होते हैं आपके इवोल्यूशनरी अल्गोरिदम द्वारा ठीक है तो यही था आपका इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जेनेटिक अल्गोरिदम क्या है और उसके एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे क्योंकि यही हमें क्या है स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट में आता है ठीक है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था थैंक यू